जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी।
जयं विष्णुपाद परमहंस पारिव्राजकाचार्य श्री श्री स्टोक्तर सत श्री इज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्त वृंद की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। सामवेद भक्त वृंद की जय। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। श्री नवदीप मायापुर धाम की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। गुरु गौरांग की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम पुराण के सातवें स्कंद के आठवें अध्याय से श्लोक संख्या 54, 55 और 56। तात्पर्य 56 में दिया है तो चर्चा का विषय 56 से रहेगा। श्री वेतालिका ऊचू सभाशु सत्रेषु तव आम्लं यशो गीत्वा स्परयां महतीं लभामहे। यस्तामनेषेद् वशमेश दुर्जनो दृष्ट्वा हस्तेस्ते भगवन् यथामहे। अनुवाद। वैतालिक लोक के निवासियों ने कहा, हे प्रभु, सभाओं तथा यज्ञ स्थलों में आपके विमल यश का गायन करने के कारण प्रत्येक व्यक्ति हमें आदर प्रदान करता था, किंतु इस असुर ने हमारे उस पद को छीन लिया था। अब हमारा अहोभाग्य है कि आपने इस महान असुर का उसी तरह वध कर दिया जिस प्रकार कोई भीष्म रोग को ठीक कर देता है। श्लोक संख्या 55। श्री किन्नरा ऊचू
वयमीश किन्नर्गनास्त्वानुगा दितिजेन विशिष्टम् अमुनानुकारिता भवता हरे सावृजनो अवसादितो नरसिंहनाथ विभाव विभवाय नो भवा किन्नरों ने कहा, हे परम नियंता, हम आपके सतत सेवक हैं, लेकिन आपकी सेवा में युक्त ना होकर हम सभी इस असुर की बेगार में लगाए गए थे। अब आपने इस पापी का वध कर दिया है, अतः एव हे नरसिंह, हे स्वामी, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं, कृपा करके हमारे संरक्षक बने रहिए। श्लोक संख्या 56। श्री विष्णु पार्षदा उचु अद्वैत तदरी नर रूपम अद्भुतम ते दृष्ट न शरणात् सर्वलोक शर्मा सोयम् ते विदिकार ईश विप्रशप्तस् तस्येद निधनम् अनुग्रहाय विद्मा श्री विष्णु पार्षदा उचु अद्वैत धरी नर रूपम अद्भुतम ते दृष्ट न शरणाद सर्वलोक शर्मा सोयम् ते विदिकर ईश विप्रशप्त तस्येदम् निधनम् अनुग्रहाय विद्मा श्री विष्णु पार्षदा ऊचु आदे तत्तरि नर रूपम अद्भुतम् ते दृष्ट न शरणात् सर्वलोक शर्मा सोयम् ते विदिकर ईश विप्रशप्त तस्येद निधनम् अनुग्रहाय विद्मा आप में से कोई दोहराना चाहे शब्दार्थ श्री विष्णु पार्षदा उचु वैकुंठ लोक के भगवान विष्णु के पार्षद ने कहा अद्य आज एतात् यह हरिनरा आधा सिंह तथा आधा पुरुष रूपम रूप को अद्भुतम अद्भुत ते तुम्हारा दृष्टम देखा हुआ न हमारा शरणात शाश्वत शरण प्रदान करने वाला सर्वलोक शर्मा विभिन्न लोकों में सौभाग्य लाने वाला सह वह अयम यह ते तुम्हारा
विधिकरः आज्ञापालक दास, ईश ईश्वर, विप्रशप्त ब्राह्मण द्वारा शापित, तस्य उसका, इदम यह, निधनम वत, अनुग्रहाय विशेष कृपा के लिए, विद्मा हम समझते हैं। अनुवाद तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। विष्णु के वैकुंठ लोक के पार्षदों ने यह प्रार्थना की, हे स्वामी, हे परम शरणदाता, आज हमने नरसिंह देव के रूप में आपके अद्भुत रूप का दर्शन किया है, जो समस्त जगत में सौभाग्य लाने वाला है। हे भगवान, हम यह समझते हैं कि हिरण्यकश्यपु आपकी सेवा में रत रहने वाला जय ही था, किंतु उसे ब्राह्मणों ने शाप दिया था, जिससे उसे असुर का शरीर प्राप्त हुआ था। हम समझते हैं कि उसका मारा जाना उस पर आपकी विशेष कृपा है। दोहराइएगा अनुवाद। विष्णु के वैकुंठ लोक के पार्षदों ने यह प्रार्थना की, हे स्वामी, हे परम शरणदाता, आज हमने नरसिंह देव के रूप में आपके अद्भुत रूप का दर्शन किया है, जो समस्त जगत में सौभाग्य लाने वाला है। हे भगवान, हम यह समझते हैं कि हिरण्यकशिपु आपकी सेवा में रत रहने वाला जय ही था, किंतु उसे ब्राह्मणों ने शाप दिया था, जिससे उसे असुर का शरीर प्राप्त हुआ था। हम समझते हैं कि उसका मारा जाना उस पर आपकी विशेष कृपा है। तात्पर्य पढ़ रहे हैं। हिरण्यकश्यपु का इस धरा पर आविर्भाव तथा भगवान के शत्रु रूप में कार्यशील रहना पूर्व नियोजित था। जय तथा विजय को सनक, सनत कुमार, सनंदन तथा सनातन नामक ब्राह्मणों ने शाप दिया था, क्योंकि इन दोनों ने चारों कुमारों को रोका था। भगवान ने अपने इन सेवकों को दिए गए शाप को स्वीकार किया। वे भौतिक जगत में जाने और शाप से मुक्त होने पर वैकुंठ लोक वापस आने के लिए राजी हो गए। यद्यपि जय तथा विजय अत्यंत उद्विग्न थे, लेकिन भगवान ने उन्हें सलाह दी कि वे शत्रु की तरह कार्य करें, जिससे 3 जन्मों के बाद वे वापस आ सकें। अन्यथा सामान्य तौर पर 7 जन्म लेने पड़ते हैं। इस आदेश पर जय तथा विजय ने भगवान के शत्रुओं की भूमिका निभाई, और अब जब वे दोनों मृत थे तो समस्त विष्णु दूतों ने समझा कि भगवान द्वारा हिरण्यकशिपु का वध एक प्रकार से उस पर विशेष कृपा थी। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के अंतर्गत भगवान नरसिंह देव द्वारा असुर राज का वध नामक 8वें अध्याय के भक्तिवेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।
ओम अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामहं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावदेतं सावदूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखानिवितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। हरे कृष्णा। सभी वैष्णवों के आशीर्वाद की कामना करते हुए अपने शुद्धिकरण के लिए और सबकी प्रसन्नता के लिए इस श्लोक पर चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो शिला प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में अंतिम पंक्ति में कह रहे हैं कि विष्णु पार्षदों ने नरसिंह भगवान जी से अपनी स्तुति और प्रार्थनाओं में कहा कि हिरण्यकशिपु के ऊपर उसका वध करके उन्होंने अपनी विशेष कृपा की है। तो प्राय हर भक्त ये प्रार्थना करता है और चाहता है कि उसे भगवान की विशेष कृपा प्राप्त हो। हमारी इस वैदिक साधना भक्ति के अंगों के अनुशीलन के पीछे
जो उद्देश्य है कि हम भगवान की विशेष कृपा के भागीदार बन सकें। तो जब अभिलाषा विशेष कृपा को प्राप्त करने की है तो फिर उसके लिए हमें विशेष साधक भी बनना पड़ेगा। बिना विशेष साधक बने भगवान की विशेष कृपा के हकदार अधिकारी नहीं बना जा सकता। तो श्रील प्रभुपाद जी ने ये जो इस्कॉन, ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन बनाया, ये हम सबको विशेष कृपा का अधिकारी बनाने के लिए बनाया है। और यहाँ पर जो प्रशिक्षण हमें दिया जा रहा है या जो सुविधाएं या जो वातावरण बनाया गया है वो सिर्फ एक ही उद्देश्य से कि हम सब अपने जीवन में विशेष साधक बन पाए। और इसी दृष्टि से हमें इन सारी योजनाओं को और सारी सुविधाओं को देखना चाहिए कि ये हमें विशेष साधक बनाने के लिए बनाई गई हैं। और अगर इस साधना भक्ति में हमारा उद्देश्य विशेष साधक बनने का ना रहे तो फिर निश्चित रूप से इसका अभ्यास करते हुए हमें असंतोष का सामना करना पड़ता है। तो भक्ति का अभ्यास करते हुए जो असंतोष है वो इसके अभ्यास को ठीक से ना करने के कारण आ जाता है। इसीलिए जब साधक इस साधना के अभ्यास में एक आराम की स्थिति, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में कंफर्ट जोन, कि चलता है, हो रहा है, ठीक है, जो हमें गुरुजनों से आज्ञा मिली, मिनिमम प्रोग्राम जो हमारा कम से कम साधना का कार्यक्रम है वो हम कर रहे हैं, यानी कि संख्या जो है वो पूरी हो रही है, तो फिर भगवान ऐसे साधकों को तीव्र बनाने के लिए, गंभीर बनाने के लिए उनके जीवन में कुछ ऐसा करते हैं कि थोड़ा हिलाते डुलाते हैं, थोड़ा उन्हें घुमाते फिराते हैं ऊपर नीचे, ताकि वो इसे गंभीरता से लें। तो जब यहां पर विष्णु पार्षद कह रहे हैं कि हिरण्यकशिपु वो जय है, वो आपका पार्षद है और उसने आपके शत्रु होने की भूमिका निभाई, तो जब भगवान के पार्षदों के जीवन में कठिनाइयां देखी जाती हैं, जब उनके जीवन में चुनौतियां देखी जाती हैं, तो ये भगवान की लीला का भाग है। लेकिन जब हम बद्ध जीवों में, हम जैसे साधकों में जब चुनौतियां आती हैं, तो ये हमारे शुद्धिकरण के लिए भेजी जाती हैं। तो इनके पीछे उद्देश्य हमारे शुद्धिकरण का रहता है। तो इसीलिए ये सारी व्यवस्था इस भौतिक जगत में जीवात्माओं को शुद्ध करने के लिए बनाई गई। तो भगवान ने ये पूरी सृष्टि का निर्माण किया, पूरी भौतिक सृष्टि का निर्माण सिर्फ इसीलिए किया कि हमारी ये जो भोग की इच्छा है, प्रभुत्व जमाने की इच्छा है, भोक्ता स्वामी नियंत्रक बनने की जो इच्छा है, ये जो मिथ्या अहंकार की जो हमारी कठिनाई है, इसका शुद्धिकरण किया जा सके। तो अब यहां पे जो कुछ भी दिया गया है वो इस उद्देश्य से दिया गया है कि अंततः हम सब अपने आप को शुद्ध कर सके।
तो ये पूरा का पूरा भौतिक जगत इस उद्देश्य के साथ निर्माण किया गया। लेकिन जब हम इस उद्देश्य को ना समझें और इस उद्देश्य को नहीं समझने के कारण हम इस संसार में सुख की कामना करें, हम इस जगत में रहते हुए सुविधाओं की कामना करें, तो जैसे प्रभुपाद जी जब अपने अमेरिकी शिष्यों को भारत देश में लेकर आए थे और उस समय इस्कॉन कोई परिचित भी नहीं था और ना ही ऐसा ऐश्वर्य जैसा कि आज हम देखते हैं होता था, तो उस समय प्रभुपाद जी ने बंबई शहर में, मुंबई में भूमि ली और वो उन दिनों के समय के अनुसार शहर के बाहर नजर आती थी, जंगल जैसा नजर आता था, बड़ी बड़ी घास, चूहे, नेवले और सभी प्रकार के जीव जंतु वहां रहते थे, पेड़ आदि, कुछ रहने की, कुछ बिजली की, कुछ पानी की, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी। तो प्रभुपाद जी अपने अमेरिकी शिष्यों को वो ले गए और उनको दिखाया, तो जब कमाल कृष्ण महाराज जी ने देखा और देख कर कहा, प्रभुपाद जी हम तो अमेरिका से आए हैं, हमें बटन दबाओ तो बिजली चाहिए, नल खोलो तो पानी चाहिए, ये कहाँ पर ले आए आप, हम यहाँ कैसे रहेंगे? तो प्रभुपाद जी ने उनकी आंखों में आंखें डालकर एक बात कही और प्रभुपाद ने कहा, तुम्हें सुविधाएं चाहिए या फिर शुद्धिकरण? तो महाराज कहते हैं कि मैं समझ गया प्रभुपाद जी क्या चाहते हैं हमसे। और उसके बाद मैंने ऐसा प्रश्न प्रभुपाद जी से दोबारा कभी किया नहीं। तो इसका अर्थ हुआ कि ये सारी व्यवस्था इस संसार में जो की गई है वो हम सब के शुद्धिकरण के लिए की गई है, और अगर हम इसे ना पाना चाहें और बाकी सब चीजें पाना चाहें तो इसका मतलब है कि जो भगवान का उद्देश्य है उसने हमने अपना उद्देश्य नहीं बनाया। और जब तक हम भगवान के उद्देश्य के साथ, तो गीता योग शास्त्र है, योग का मतलब है कि भगवान के साथ अपने आप को एक रेखा में अलाइंड कर देना, ये योग कहलाता है। तो इसका मतलब है भगवान के उद्देश्य को अपने जीवन का उद्देश्य बना लेना, ये योग कहलाता है। और जब तक वो भगवान के उद्देश्य को हम अपना उद्देश्य ना बनाएं तो अब जीवन में कठिनाइयां रहेंगी। कठिनाइयां होना और कठिनाइयों का अनुभव होना, ये दोनों अलग परिस्थितियां हैं। कठिनाइयां इस भौतिक जगत में, चाहे भगवान के पार्षद भी आते हैं तो उनको भी अनुभव होती है, लेकिन वो इससे रुकते नहीं, वो इसके बावजूद अपनी सेवा, अपनी साधना में चलते रहते हैं। शिला हरिदास ठाकुर 22 बाजारों में, स्वयं ब्रह्मा जी हैं जिन्हें चैतन्य महाप्रभु ने नामाचार्य की उपाधि दी थी, 22 बाजारों में नवाब के द्वारा कोड़े मार देने का आदेश दे दिया गया। अब शिला हरिदास ठाकुर, सामान्यतः किसी को अगर एक या दो बाजारों में भी कोड़े मारे जाते थे वो मर जाता था, लेकिन 22 बाजारों में भी कोड़े खाने के बाद शिला हरिदास ठाकुर जो थे मुस्कुरा रहे थे, और सिर्फ मुस्कुरा ही नहीं रहे थे, मुस्कुराते हुए कृष्ण के नामों का उच्चारण कर रहे थे। और साथ ही साथ उन कोड़े मारने वालों के लिए प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, आप इन पे अपनी कृपा बनाइए, इन्हें माफ कर दीजिए। अब एक तो है शारीरिक रूप से कष्ट और शारीरिक रूप से जन्म मृत्यु जरा व्याधि या तीन ताप। तो शिला हरिदास ठाकुर जी के इस उदाहरण में 22 बाजारों में भी मार खाने के बाद निर्दयता पूर्वक उन्हें दंड दिया गया, लेकिन फिर भी वो बने रहे। लेकिन दूसरी तरीके से देखा जाए तो 22 प्रकार की चुनौतियां दी गई, लेकिन उन्होंने अपनी निष्ठा भगवान के प्रति कम नहीं होने दी।
जब किसी एक दो बाजारों में भी मारा जाता था तो व्यक्ति मर जाता था, यानी कि जब हमारे जीवन में एक दो चुनौतियां भी आती हैं तो हम हिल जाते हैं और हमारी निष्ठा भगवान के प्रति हिल जाती है और हम प्रश्न करना शुरू कर देते हैं अपने मन में, मैं तो भक्ति कर रहा हूं, मैं तो सब कुछ ठीक कर रहा हूं, साधना भक्ति के नियम का पालन कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरे जीवन के अंदर ये समस्याएं बिन बुलाए मेहमान की तरह क्यों चली आ रही हैं। हम एक दो समस्याओं में भी हिल जाते हैं, हमारी निष्ठा में प्रश्न खड़े हो जाते हैं, उसमें दरारें पड़ जाती हैं और भगवान के प्रति हमारे प्रश्न आ जाते हैं, गुरु परंपरा के प्रति प्रश्न आ जाते हैं कि वास्तव में जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है या जो दिखाया जा रहा है कृष्ण भावना मृत के परिणाम के रूप में, क्या वो वास्तविकता भी है या नहीं, क्योंकि मैं तो अपने जीवन में ऐसा अनुभव नहीं कर रहा, मेरे जीवन में तो आनंदम बुद्धि वर्धनम नहीं हो रहा, मैं तो अभी भी उसी प्रकार से चिंतित होता हूं, मैं तो उसी प्रकार से जीवन की उतार चढ़ावों से प्रभावित होता हूं, कुछ शरीर में रोग आ जाए तो नाम छोड़ के रोग के बारे में सोचता हूं, अपने बारे में सोचता हूं, या कुछ भी उथल पुथल होती है तो सारी की सारी शक्ति सारी की सारी चेतना उस समस्या पे लग जाती है बजाय कि भगवान की शरण लेने में। तो 22 बाजारों में मारा गया लेकिन फिर भी उनकी निष्ठा नहीं हटी, ये और भी अधिक महत्वपूर्ण बात है। शारीरिक कष्ट का आना और जाना क्षणिक है लेकिन हमारे विश्वास की क्षति और इस निष्ठा का परिपक्व रहना ये सर्वोपरि बात है। तो किसी भी परिस्थिति में हमारी निष्ठा अगर बनी रहे तो ये वास्तविक भगवान की कृपा है, और इसीलिए आचार्यों के जीवन में अगर आप कोई एक बात महत्वपूर्ण देखें तो चाहे श्रीला प्रभुपाद जी की जीवनी उठाकर देखें, चाहे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के जीवन को देखें, चाहे भक्ति विनोद ठाकुर जी के जीवन को देखें, चाहे छह गोस्वामियों के जीवन को देखें, पूरी गुरु परंपरा में या भागवतम के चरित्रों की बात करें, हर एक के जीवन में चुनौतियां आई। ये भगवान के पार्षद हैं, भगवान के धाम से आए हैं, हम सबको हमारा उद्धार करने के लिए हमारी तरह साधारण साधक लोग नहीं हैं, ये सिद्ध हैं और साधक देह में हमारे सामने आचरण करके प्रस्तुत कर रहे हैं। इनके जीवन में भी चुनौतियां थीं लेकिन साधारण साधक और इनमें क्या अंतर है कि इनके विश्वास में कभी उन चुनौतियों के बावजूद कमी नहीं आई। शिला प्रभुपाद जी अपने गृहस्थ आश्रम में थे और गृहस्थ आश्रम में प्रभुपाद जी जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी से मिले थे और उनसे जो आदेश प्राप्त हुआ था कि तुम अंग्रेजी भाषा में पाश्चात्य देशों में ये संदेश प्रचार प्रसार करो, तो प्रभुपाद जी तब से ही योजना बना रहे थे और प्रभुपाद जी गीता पे अपनी टीका भी लिखा करते थे। और एक दिन जब वो अपने घर आए और उस समय ढूंढने लगे कि कहां उन्होंने कई सालों से मेहनत करके टीका लिखी थी और वो जो मैन्युस्क्रिप्ट थी वो मिल नहीं रही थी, किधर गई कहां गई, तो पत्नी से पूछ रहे हैं, नौकरों से पूछ रहे हैं, बच्चों से पूछ रहे हैं, जगह जगह हर अलमारी हर कोना घर का तलाश मारा, कहीं नहीं मिला। अब आप सोचो कि ये वो दिन नहीं थे कि जिस समय इतनी टेक्नोलॉजी थी कि सॉफ्ट कॉपी भी मेंटेन की जाती थी, या फिर आजकल तो सब लेखक कंप्यूटर में ही किताबें लिखते हैं, हाथ से नहीं लिखा जाता, लेकिन उस समय प्रभुपाद जी हाथ से लिख रहे हैं और वो हस्तलिखित कॉपी नहीं मिल रही है, इतने सालों की मेहनत नहीं मिल रही है। अब कोई अगर साधारण व्यक्ति होगा तो क्या करेगा। अब प्रभुपाद जी क्या उसी समय बैठ गए और फिर से श्री भगवान उवाच। तो चुनौतियां सभी भक्तों के जीवन में देखी जा सकती हैं लेकिन निष्ठा उन चुनौतियों के बावजूद भी बनी रहे ये हर एक के जीवन में नहीं देखा जाता, और जिसके जीवन में देखा जाए ये है भगवान की विशेष कृपा। चैतन्य महाप्रभु के पास जब भक्त आए और कहते हैं कि गोपीनाथ पटनायक जो महाप्रभु का भक्त था उसको चांग पे लटकाया जा रहा है, तो चांग एक प्लेटफॉर्म होता था जिसमें उसके नीचे ऐसे सीधा करके तलवारें लगी रहती थी, हटाया जाता था और व्यक्ति को सीधा नीचे गिरा दिया जाता था तलवारों के ऊपर तीखी। तो उसने राजा के कर में, राजा का कर्मचारी था वो,
और कर में कुछ धोखाधड़ी की थी। तो भक्त था लेकिन साथ साथ इंद्रिय तृप्ति से आसक्त भी था। तो भक्ति करते हुए इंद्रिय तृप्ति से आसक्ति का परिणाम क्या है? तो भक्त आकर चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं कि महाप्रभु, गोपीनाथ पटनायक को चांग पे चढ़ाया जा रहा है। महाप्रभु कहते हैं, मैं एक सन्यासी हूं, मैंने सन्यास लिया है कृष्ण का स्मरण श्रवण कीर्तन करने के लिए। मैं इस संसार की बाधाओं के अंदर ये सब मुझे क्यों बता रहे हो तुम लाकर? महाप्रभु वो आपका भक्त है। तो चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं क्या किया उसने, और भक्त कहते हैं कि इस प्रकार से उसे सजा हुई है, चांग पे लटकाया जा रहा है। तो महाप्रभु कुछ नहीं कहते, और कुछ समय के बाद फिर भक्त आते और कहते, महाप्रभु गोपीनाथ पटनायक के भाई वाणी पटनायक को भी राजा ने बंदी बना लिया, और वाणी पटनायक बहुत अच्छा भक्त था। तो महाप्रभु कहते हैं वो क्या कर रहा है? भक्त कहते हैं, महाप्रभु वो अपने दोनों हाथों से नाम ले रहा है और नाम से करमाला कर रहा है, गिन रहा है हाथों के पोरों पे, हरि नाम लेता है और जैसे ही संख्या पूरी होती है अपने शरीर में एक निशान बनाता है और फिर से गिनना शुरू कर देता है। तो महाप्रभु की कृपा से गोपीनाथ पटनायक राजा के दंड से मुक्त हो जाते हैं, बात साबित हो जाती है, अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं और बड़े खुश होकर महाप्रभु के पास आते हैं और कहते हैं, महाप्रभु आपकी कृपा से मैं मुक्त हो गया, आपकी कृपा से मैं मुक्त हो गया, लेकिन आपकी वास्तविक कृपा तो वाणी पटनायक के ऊपर है, आपकी वास्तविक कृपा तो रामानंद राय के ऊपर है जो सिर्फ आपके चरण कमलों के अलावा और कोई आसक्ति नहीं रखते। ये भगवान की विशेष कृपा है कि जब हमें भगवान के चरण कमलों के अलावा और कोई आकर्षण और कोई आसक्ति ना रह जाए। इसलिए उस प्रसिद्ध शिला प्रभुपाद जी की लीला में, जब प्रभुपाद जी अमृतसर से बंबई आ रहे थे, रास्ते में फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में बैठे तो कुछ भारतीय युवक ने देखा कि स्वामी जी के आसपास बड़े अमेरिकी लोग हैं, तो बड़े विशेष होंगे, ऐसे लोगों को आकर्षित किया हुआ इन्होंने, तो प्रभुपाद जी के पास मिलना चाहते थे, सेक्रेटरी अनुमति नहीं दे रहा था, तो घुस गए उनको आजू बाजू देख के और प्रभुपाद जी के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में जाके सामने सीट पे बैठ गए। स्वामी जी आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आए हम, तो आपसे आशीर्वाद चाहिए। तो इतनी देर में प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे वो भी घुस गए अंदर और देखा, रहे इतना रोका फिर भी आ गए, हाँ इतना रोकने के बाद भी घुस गए। तो जब प्रभुपाद जी ने कहा अच्छा तुम्हें आशीर्वाद चाहिए, तो प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों के शेव्ड हेड, अपने मुंडित सरों की ओर इशारा करके कहा, यह है मेरा आशीर्वाद, चाहिए तुम्हें? तो कहते, नहीं स्वामी जी, हमारे तो जोड़ों में कुछ दर्द चल रहा था, हमें सोचा आपकी कृपा मिलेगी तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो प्रभुपाद जी ने कहा, यह है विशेष कृपा कि जब हम भगवान की सेवा में अनेक चुनौतियों के बावजूद भी दृढ़ता पूर्वक डटे रहें, इसे कहा जाता है भगवान की शक्ति का प्राप्त होना। और एक्चुअली अगर जिस व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयों के बावजूद भी अगर वो भगवान की सेवा को नहीं त्याग रहा है तो समझ लीजिए वो भगवान की कृपा प्राप्त कर चुका है, और यही वास्तविक कृपा है भगवान की। और बाकी जो कुछ भी हम कृपा के नाम पे सोचते और मांगते हैं वो तो सिर्फ हमारी भोग की प्रवृत्ति का एक बाह्य प्रदर्शन मात्र ही है, क्योंकि हम कृपा को कहते हैं जो हम चाहते हैं वो मिले, जो हम चाहते हैं वो मिले, हमारी परिभाषा में हम उसे कृपा कहते हैं कि मेरी इच्छा पूरी हो, जो मैं चाहूं वो मुझे मिले। इसीलिए कलयुग में हम देख रहे हैं धर्म का बहुत प्रचार प्रसार हो रहा है, लेकिन वास्तव में ये धोखे का धर्म है, और यही है कलयुग। धर्म जैसा दिखेगा लेकिन धर्म होगा नहीं, ये कलयुग का धर्म है, और कलयुग के धर्मवादियों की यही परिस्थिति है कि वो धार्मिक दिखते हैं लेकिन अंदर से धार्मिक होते नहीं।
अंदर से वो उसका अनुशीलन अपने हृदयों में नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आप देखो वृंदावन में पहला भजन कुटीर रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने बनाया था, वो भी सनातन गोस्वामी जी के कहने पर। और आज चारों तरफ देखो तो कुटीर ही कुटीर नजर आ रहे हैं, ये वन की जगह कुटीर बन गया, वृंदा कुटीर, हर जगह कुटीर ही कुटीर नजर आ रहे हैं। तो कैसे ये धर्म का प्रचार इतना बढ़ रहा है, तो ये धोखे का धर्म है। यानी कि हम सब क्षमा चाहते हैं ऐसा कहते हुए कि उस वास्तविकता तक पहुंच ही नहीं पा रहे, कहीं ऊपर ऊपर ही अटक कर रह गए बस, और उसी को हमने पर्याप्त मान लिया। और आज पूरी दुनिया धर्म के नाम पे क्या समझकर क्या कर रही है। शिला प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति और कहने लगा, प्रभुपाद जी मेरे गुरु बड़े विशेष हैं। प्रभुपाद ने क्या विशेषता है, बोले जब भी हाथ लगाते झटका लगता है। प्रभुपाद कहते हैं बिजली के सॉकेट में उंगली डाल दो उससे जोर के लगेगा ज्यादा। प्रभुपाद कहते गुरु का मतलब झटका देना नहीं है, गुरु का मतलब है जो हमें भगवान की सेवा में लगा सके, ये गुरु का काम है। और ऐसा व्यक्ति जो भगवान की सेवा में ना खुद लगा और लगा रहा हो और अपने आप को गुरु कह रहा हो, तो ये धोखे का धर्म नहीं तो और क्या है। तो जीव की आवश्यकता है, और ये कलयुग ऐसा युग और ऐसे लोगों का युग जहां पर ऐसी आवश्यकता का पूरी तरह से शोषण किया जाता है मासूम लोगों का, और उन्हें गुमराह किया जा रहा है। इसीलिए कमल कृष्ण महाराज जी का सर्जरी थी जसलोक हॉस्पिटल मुंबई में। शिला प्रभुपाद जी ट्रेवल कर रहे थे, विदेश से भारत आए थे, और प्रभुपाद जी को बताया कि उनकी सर्जरी है, तो प्रभुपाद जी कह रहे थे उनको सर्जरी नहीं करवानी चाहिए, और तब तक उनको एडमिट किया जा चुका था। प्रभुपाद जी खुद उनको देखने के लिए गए हॉस्पिटल में, और जब गए तो सर्जरी हो चुकी थी तब तक। तो प्रभुपाद जी को कहते हैं, प्रभुपाद मैंने रात को एक स्वप्न देखा और मैंने स्वप्न में आपको देखा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं फिर क्या देखा। तो प्रभुपाद को कहते हैं मैंने देखा कि आप पूरी गुरु परंपरा को रिपोर्ट दे रहे हैं, आप पूरी गुरु परंपरा को रिपोर्ट दे रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि कलयुग ऐसे लोगों का युग है, ये ऐसे लोग हैं जिन्हें कुछ भी दिया नहीं जा सकता, लेकिन एकमात्र इनकी आशा सिर्फ मैं हूं। तो प्रभुपाद जी ने महाराज की आंखों में देखा, और प्रभुपाद कहते हैं दैट इज ट्रू, ये सच्चाई है कि ये पूरा संसार निराशा से भरा है, और भगवान के शुद्ध प्रतिनिधि इस आशा की किरण को जगाने के लिए हमारे बीच में आते हैं। तो भगवान हमारी चुनौतियों को समझते हैं, भगवान हमारी बद्ध अवस्था को भी समझते हैं। इसीलिए भगवान के अनेक नाम हैं, उन अनेक नामों में जो भगवान के लोकप्रिय नाम अगर आप देखेंगे तो वो नाम हैं जिन नामों का अर्थ हमारे जीवन में दया और कृपा के माध्यम से आ रहा होगा, ऐसे नामों को अधिक महत्व दिया जा रहा होगा। तो भगवान हमारी सतह पे की जाने वाली भक्ति को समझते हैं, हमारी चुनौती और हमारी बाधाओं को भी समझते हैं, और इसीलिए इसके बावजूद जो हम जो भी सेवा उनके लिए करते हैं भगवान उसकी प्रशंसा भी करते हैं। जैसे जब महाभारत का युद्ध चल रहा था और कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे, और अर्जुन जब तीर चलाते थे तो कर्ण के रथ को कई कई मीटर कई किलोमीटर दूर फेंक देते थे उठाकर, ऐसे शक्तिशाली ये योद्धा थे द्वापर युग के। और जब कर्ण तीर चलाता था तो अर्जुन का रथ सिर्फ कुछ इंच पीछे जाता था। तो जैसे ही अर्जुन का रथ कुछ इंच पीछे जाता था तो भगवान कहते थे शाबाश कर्ण, शाबाश, बहुत अच्छा। और अर्जुन कहते ये क्या हो रहा है, भगवान किसकी तरफ है,
वो मैं तीर चलाता हूं तो इतने मीटर दूर उठाकर फेंकता हूं रथ, और ये मेरा कुछ इंच हिलाता है, शाबाशी कर्ण को दे रहे हैं। तो दो चार बार हो गया तो अर्जुन के मन में प्रश्न आ गया। अर्जुन ने भगवान से पूछा, भगवान ये क्या बात, मैं तो कुछ मीटर दूर फेंक रहा हूं इसे उठाकर और आप कुछ नहीं मुझे कहते, और ये कुछ इंच हिलाता है और आप इसे शाबाशी देते हो। भगवान कहते हैं, अर्जुन कौन बैठा है तुम्हारे रथ पे और उसके बावजूद ये कुछ इंच हिला पा रहा है, क्या ये शाबाशी का हकदार है कि नहीं? उसी तरह से माया के साथ सामने हम खड़े हैं। देवी हेशा गुणमयी मम माया दुरत्तया, साधारण बात भी नहीं है, दुरत्तया, असंभव है इससे परे होना, और अब उसका सामना हम कर रहे हैं। और अगर कुछ इंच भी माया से जीतते हैं तो भगवान कहते हैं शाबाश, ताली बजाते हैं, पीठ थपथपाते हैं, शाबाश इसने प्रयास तो किया कम से कम, क्योंकि इस माया के जगत से बाहर निकलना दुरत्तया, ये भगवान की शक्ति है, भगवान के समान शक्तिशाली है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा, इस बात पे हैरान मत होना कितने लोग आए और गए, इस बात पे हैरान होना अरे इसके बावजूद भी इतने लोग बने हुए हैं, ये आसान नहीं है। जब प्रभुपाद जी से पूछा जा रहा था कि प्रभुपाद जी आप इतनी मात्रा में लोगों को संन्यास दिए जा रहे हो और इतने नए नए लोग हैं, ये जब परम पूज्य भक्ति चारू महाराज जी को संन्यास दिया गया था तो 6 ही तो महीने हुए थे उनकी प्रथम दीक्षा को, तो प्रभुपाद जी में प्रश्न उठाएगा इतनी जल्दी संन्यास दे दिया गया, तो प्रभुपाद कहते हैं को बोला गया अगर इनका पतन हो गया तो प्रभुपाद ने कहा अगर पतन होगा भी तो सतोगुण में गिरेंगे आके। तो प्रभुपाद जी से ये प्रश्न उठाए जा रहे थे इतने मात्रा में, तो प्रभुपाद जानते थे इस माया के विरुद्ध लड़ते हुए सैनिक घायल होंगे, लेकिन ये आपातकालीन स्थिति है। तो भगवान और उनके शुद्ध भक्त हमारी कमियों को नजरअंदाज करके, हमारी गलतियों को नजरअंदाज करके हमारे उस एक गुण को देखते हैं। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी की बड़ी बड़ी आंखें, क्यों बड़ी बड़ी आंखें, दूर तक देखते हैं कौन है मेरा नाम ले रहा है, वो उधर कोने में बैठा, वो उधर। और उसी तरह से भगवान रंगनाथ आंख बंद कर लेटे हुए हैं, और बंद कर लेटे हैं, वो गलती देखना ही नहीं चाहते। तो ये भगवान का विशाल हृदय है, वो हमारी कमियों को जानते हुए भी हमारी एक अच्छाई का प्रोत्साहन दे रहे हैं। लेकिन इसका अर्थ नहीं कि हम अपने प्रयास को शिथिल कर दें। तो चाहे ये संसार भौतिकतावादियों से भरा हो, चाहे मायावादियों से भरा हो, चाहे शून्यवादियों से भरा हो, लेकिन हमारा रास्ता तो कृपावादियों का रास्ता है, कृपा के पथ का अनुगमन करने वाले। इस साधना भक्ति के पथ पर हमारा अभ्यास इतना आकर्षक नहीं हो सकता कि हम भगवान को आकर्षित कर लें, लेकिन उस अभ्यास को करते वक्त जो संघर्ष है वो भगवान की कृपा को आकर्षित करता है। इसलिए अगर कोई साधक कहे मैं संघर्ष कर रहा हूं या मैं संघर्षरत हूं, तो वास्तव में ये योग्यता है जो भगवान देखना चाहते हैं कि हम कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, 6 गोस्वामी ब्रजधाम में रहते हुए उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमने कृष्ण को देखा, वो हमेशा कृष्ण की खोज कर रहे थे। जो भावना इन आचार्यों ने दी वो संघर्ष की भावना दी है। अर्जुन कृष्ण को कहते हैं चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलवदम दृढ़म, ये अर्जुन कह रहे हैं। जो उर्वशी को कह रहे थे कि आप मेरी माँ के समान है, जब इंद्र के दरबार में गए थे तो उर्वशी ने आके प्रस्ताव दिया संग करने का, तो अर्जुन कहते हैं आप मेरी माँ के समान है, और वो अर्जुन कहते हैं चंचलम ही मन कृष्ण, तो अब ऐसा अर्जुन कहते हैं तो हमें क्या कहना चाहिए? तो इसका अर्थ है कि इस मन की गति को काबू नहीं किया जा सकता, लेकिन जो भगवान के लिए संघर्ष करेगा, इन कमियों के बावजूद अपने आप को प्रयासरत रखेगा, वो भगवान की कृपा का अधिकारी बन सकता है। इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी का उन्होंने एक मंदिर का उद्घाटन किया, और मंदिर के उद्घाटन में जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली आरती अर्पित करनी थी,
तो भक्त चतुर्थी महाराज जी नजर नहीं आए तो जो उस मंदिर के प्रमुख थे उन्होंने आरती अर्पित कर दी। जबकि साधारणता ये होता है कि आचार्य गुरुगण आए तो उनको फिर अवसर दिया जाता है आरती करने के लिए, तो उनके मन में बाद में उन्हें पता चला कि भक्त चतुर्थी महाराज खड़े थे, ऑडियंस में खड़े और आरती देख रहे थे। और जब उस भक्त को ये पता चला तो उसके मन में इतनी ग्लानि की भावना है कि गुरु सामने खड़े हैं और मैंने उनको नहीं ढूंढा और खुद मैं ऑल्टर में घुस गया और आरती करने लगा। तो उसने उससे उसकी हिम्मत नहीं हुई महाराज के पास जाके ये कह सके कि देखो मुझसे गलती हो गई, तो अपने गुरु भाई को भेजा उसने कि आप मेरी तरफ से जाकर बोलो और महाराज को बोलो जाकर इस तरह से कि मेरे से त्रुटि हो गई। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी क्या कहते हैं, जब हम भगवान की सेवा में लगे हैं अगर हमने ये भावना बनाए रखी है कि जीव कृष्ण दास, कि हम कृष्ण के सेवक हैं, हम कृष्ण के सेवक हैं, अगर ये भावना बनाई रखी है तो त्रुटियां भले ही हो भगवान हमारी त्रुटियों को नहीं हमारी इस भावना को देखेंगे कि क्या हम इस भावना के अनुसार कार्य कर रहे हैं नहीं। यानी कि संसार में रहते हुए हमसे गलतियां होंगी, महत्व गलतियों का नहीं, महत्व उसके पीछे भावना का है कि क्या हम इस सेवा भावना को हमेशा बनाए रखते हैं या नहीं। और ये जो भावना है, ये जो एटीट्यूड है, ये भगवान को आकर्षित करता है। इसीलिए भक्ति की प्रगति का मतलब हमारी प्रवृत्ति की प्रवृत्ति का बदलना है। अगर हमारी मानसिकता ना बदले तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ कठिनाइयां आ रही। तो इसीलिए एक कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, एक उत्तम अधिकारी, इनमें अंतर क्या है? इनमें अंतर सिर्फ मानसिकता का है। उस भावना का मुख्य अंतर दिखाई देता है। तो जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, एक बैंक का कैशियर क्या करता है, करोड़ों रुपए गिनता है लेकिन कभी उसको अपना नहीं मान लेता, वो जानता है कि मैं कैशियर हूं। उसी प्रकार से भगवान का सेवक भगवान की सेवा में बड़ा बड़ा भी कुछ कर दे लेकिन अगर वो ये भावना बनाए रखे कि मैं सेवक हूं और इसी प्रकार से व्यवहार करे, तो अब भगवान उसे अपनी पूरी शक्ति देने के लिए तैयार बैठे। ऐसे भक्त को भगवान एम्पावर करने के लिए तैयार बैठे। इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा, कृष्ण ने मेरी दो बार परीक्षा ली, एक बार मेरा सब कुछ छीन कर देखा अब ये क्या करता है, और दूसरी बार मुझे सब कुछ दे कर देखा अब ये क्या करता है। और मैंने दोनों परिस्थिति में एक पैसा अपने ऊपर नहीं खर्च किया और एक क्षण के लिए कृष्ण से अपनी निष्ठा कम नहीं होने दी। ये है वास्तव में भगवान की विशेष कृपा का अधिकार। तो इसीलिए ये विष्णु पार्षद ऊचू, विष्णु पार्षद, भगवान विष्णु के ये पार्षद प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान जय ने आपके अनुसार कार्य किया और वो आपकी विशेष कृपा को प्राप्त करके गया। तो श्रील प्रभुपाद जी के चरण कमलों में हम सबको ये प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभुपाद जी, कमियां बहुत हैं हमारे अंदर लेकिन हम आपकी इस विशेष कृपा को इसी जीवन के अंदर प्राप्त कर सकें तो ये हमारी साधना और हमारी सेवा की सफलता होगी। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।